गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। हड़िया से हॉवर्ड तक का सफर तय कर पाना इतना आसान नहीं होता, जहाँ सपने आसमान दिखाते हैं और जिंदगी वक्त की सच्चाई। भारत में गरीब परिवार की लड़कियों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कर कैरियर बनाने का मौका शायद ही मिल पाता है, लेकिन जिसके अंदर हौसला होता है वो अपने हौसले से सब कुछ पा लेता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है झारखंड की रहने वाली सीमा ने। मूल रूप से रांची के और मांझी ब्लॉक के दाहो गांव की रहने वाली सीमा कुमारी ने अपनी सोच की सीमा का अंत करते हुए पढ़ाई करने अमेरिका के हॉवर्ड यूनिवर्सिटी जा रही हैं। सीमा 12वीं की छात्रा हैं। वह भारत सरकार के नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई कर रही हैं और परीक्षा का इंतजार कर रही हैं। 17 साल की सीमा कुमारी ने बताया कि अप्लाई करते वक्त उन्होंने इकोनॉमिक्स का चयन किया था, लेकिन अब उन्हें शायद सोशियोलॉजी या वेमेन स्टडीज कोर्स में एडमिशन मिले। वैसे पहले साल में सभी विषयों की पढ़ाई करनी होगी। सीमा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ाई करेंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सीमा का चयन ग्रेजुएशन के लिए हुआ है। इन्हें हर साल 61 लाख की स्कॉलरशिप मिलेगी। सीमा के माता पिता अनपढ़ हैं, वो मजदूरी और खेती करते हैं। सीमा की माँ हड़िया बेचती है, वहीं उसके पिता किसानी के साथ साथ धागा की फैक्ट्री में काम भी करते हैं। बताया जा रहा है कि इस गरीब परिवार से आने वाली सीमा की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। साल 2012 में सीमा युमका में फुटबॉल टीम में शामिल हुई थी। इस टीम में शामिल होने के बाद सीमा ने शिक्षा के अधिकार और बाल विवाह के खिलाफ जंग छेड़ी। शॉर्ट्स पहनने को लेकर इसका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन इन बातों की परवाह किए बिना सीमा सालों तक फुटबॉल खेलती रही। 17 साल की सीमा बताती हैं कि मैं पहले गांव की ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। 2012 में एक दिन घास लेने जा रही थी, तभी गांव की कई लड़कियों को फुटबॉल खेलते देखा तो मेरा मन भी खेलने का हुआ। फिर घर वालों से परमिशन लेकर मैदान जाने लगी। वहां पता लगा कि वह सब एनजीओ युवा के विशेष कैंप का हिस्सा था। फिर मैं उससे जुड़ी और लगातार खेलने लगी। वहां अंग्रेजी सीखी और फिर नई बच्चियों को फुटबॉल सिखाने लगी। सीमा का कहना है कि जेंडर इक्वलिटी, घरेलू हिंसा और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग शिक्षित हों। सीमा एक संस्था के जरिए अपने गांव की लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं। सीमा को मिली इस बड़ी कामयाबी को लेकर कई सेलिब्रिटी भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक नाम कमाने वाली मशहूर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सीमा की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि लड़की को शिक्षित करें और वह दुनिया को बदल सकती है। ऐसी प्रेरणादायक उपलब्धि, शानदार सीमा, मैं यह देखने के लिए बेचैन हूँ कि तुम आगे क्या करती हो। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने भी सीमा की जमकर सराहना की है। उन्होंने सीमा की तस्वीर इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की और लिखा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जिसे दुनिया के सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है, जिसमें बहुत कम लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है, सीमा ने इन सारी बाधाओं को पार कर अपने लिए एक जगह बना ली है और लोगों के लिए मिसाल पेश की है। ये थी झारखंड की बेटी सीमा की कहानी। मेरा नाम है सुनिधि और आप देख रहे थे द फुल वॉल्यूम। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।